राहुल गांधी ने दोषी जाहिर करवामां आव्या छे। राहुल गांधी ने मानहानि केस में 2 वर्षनी सजा फटकारवामां आवी। राहुल गांधी ने मानहानि केस में जामीन पण मळी गया। 10,000ना बॉन्ड पर राहुल गांधी ने जामीन मळ्या छे। आईपीसी की कलम 490 અને 500 मुजब तेमने दोषी जाहिर कराया। कोर्टे 30 दिवस माटे सजा पर रोक पण लगावी। निर्णय सामे अपील करवा 30 दिवस तो समय राहुल गांधी ने अपायो छे। राहुल गांधी ना वकीले कह्युं आगळ अपील करवानो अमारी पासे विकल्प छे। राहुल गांधीए कह्युं मारो इरादो खोटो न हतो, हूँ भ्रष्टाचार सामे अवाज उठावतो रहूं छूं अने साथे एम पण कह्युं के कोईने पण अपमानित करवानो मारो इरादो न हतो। वर्ष 2019 कर्नाटकमां सभा दरमियान तेमणे टिप्पणी करी हती। तरफ फरियादी पूर्णेश मोदी जे छे तेमणे चुकादा बाद निवेदन आप्युं के कोर्टे जे चुकादो आप्यो छे तेने हूँ आवकारुं छूं, अमारी फरियादना आधारे कोर्टे चुकादो आप्यो। तो राहुल गांधी की सजा पर किरण रिजिजुए पण निवेदन आप्युं के तेमणे कह्युं राहुल गांधी जे बोले छे तेनाथी तेमने अने पक्ष ने घणुं ज नुकसान पहुंचे छे। कांग्रेस नेताओ राहुल ना वलण थी नाराज छे, तेवुं निवेदन तेमणे आप्युं। April 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है मैं उस फैसला का स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनंती की थी। कोर्ट ने 30 दिन जो कायदे में प्रोविजन है 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन की अपील नहीं करता है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे समाज को या किसी के बारे में जिस तरह से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम करने का जो एक निवेदन किया था उसकी वजह से नाराज होकर गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी MLA श्री पुनेश मोदी ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो तो अच्छी बात होगी देश के लिए भी। देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं, देश के लोग भी इसकी वजह से उनके ऊपर खफा है, उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया। आ उपरांत राहुल गांधी ने दोषी ठेरवामां आवे छे। मानहानिना केस में राहुल गांधी दोषी जाहिर कराया। 2 वर्षनी सजा तेमने फटकारवामां आवी छे। मानहानि केस में राहुल गांधी ने विरुद्ध आज चुकादो आप्यो। आज अमारा सन्माननीय नेता श्री राहुल गांधी उपर जे केसना अनुसंधान में सूरत कोर्टे आज एमने जे प्रमाणेनी दोषी ठेराव्या छे, परंतु हमणां जाणवा मळ्युं के एमने त्यां जामीन पण मळी गया छे। एटले कोर्ट छे कोर्टना जे नियमो छे एना अनुसंधान में जे पण कायदो छे कायदानुं काम करतुं होय छे, परंतु अमने ચોક્કસ ભરોસો અને વિશ્વાસ છે કે હાઈકોર્ટ છે સુપ્રીમ કોર્ટ છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જઈએ તો ચોક્કસ આપણને ન્યાય મળતો હોય છે।